स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू स्पोकन क्लासेस ऑफ सीजी शिक्षा। आई एम तरन्नुम योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम सीजी शिक्षा एंड टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू रीड अवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम वॉइस। सो आज के इस क्लास में हम हमारे वॉइस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि कौन सा है, हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का। इससे प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हमने हमारा प्रेजेंट का तीनों फॉर्म कंप्लीट कर लिया है। प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल भी कंप्लीट हो चुका, हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस भी कंप्लीट हो चुका और प्रेजेंट परफेक्ट भी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद हम पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल भी पढ़ चुके हैं, पास्ट कंटिन्यूस भी पढ़ चुके और पास्ट परफेक्ट भी पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करने वाले हमारा फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस, ठीक है। और फ्यूचर के भी कितने फॉर्म होते हैं, फोर फॉर्म होते हैं। जैसे कि बाकी के वॉइस में पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, उसमें कितने कितने फॉर्म बने थे, थ्री फॉर्म। लेकिन फ्यूचर टेंस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ टू फॉर्म्स ही बनते हैं, ठीक है, जो कि फर्स्ट होता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस और सेकेंडली होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इन दोनों के अलावा जो बचे हुए दो फॉर्म और हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके एक्टिव से पेसिव में चेंजेस नहीं होते हैं। मतलब हमको फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो टेंस ही पढ़ने हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो आज के इस क्लास में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन अवर क्लास एंड रीड। इन द फॉलोइंग फ्यूचर टेंस द पेसिव कैन बी क्रिएटेड, फ्यूचर सिंपल टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर टेंस में से सिर्फ ये दो फॉर्म होते हैं जिसके पेसिव वॉइस बनते हैं। फर्स्ट होता है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस और सेकेंड होता है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके। और आज की इस क्लास में हम हमारे फर्स्ट वाले फॉर्म को पढ़ने वाले हैं। देन इन द फॉलोइंग फ्यूचर टेंस द पेसिव कांट बी क्रिएटेड, और ये दोनों फॉर्म जो होते हैं उसके पेसिव वाइज में चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि आपका फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये दोनों पेसिव वाइज में चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट पेसिव वाइज में चेंज होगा। सो हम अब देखते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस का रूल देखेंगे, पेसिव वाइज में चेंज करने के लिए फ्यूचर सिंपल का रूल क्या होगा। सो अफर्मेटिव के लिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो विल और शैल का यूज़ अभी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको ये याद होगा, मैंने आपको बताया ही था कि जैसे कि पास्ट के तीनों फॉर्म में भी, प्रेजेंट के तीनों फॉर्म में भी और अब फ्यूचर में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म ही पेसी में यूज़ होगा। क्लियर? सो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या का यूज़ करना होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट का यूज़ करना होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद में बस हमको क्या करना है, नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, हमारा विल ऑब्लिक शैल है, तो विल ऑब्लिक शैल के जस्ट बाद हम नॉट लगा देंगे, बाकी का पूरा जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है हमारा सेम रहेगा। नेक्स्ट होता है आपका इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, बाकी का पूरा सेंटेंस, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम होता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, तो विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा फ्यूचर सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर भी रेडी है। एक चीज़ और स्टूडेंट्स की, आप लोगों को नेगेटिव बनाने के लिए बी के बाद आप नॉट नहीं लगाएंगे, आपको विल शैल के बाद में ही नॉट लगाना है। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी आप लोग पहले विल शैल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, बी को भी साथ में नहीं लिखेंगे, ओके। अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, अगर हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव देखें तो क्या हो जाएगा, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगाते हैं, प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर भी रेडी हो जाएगा, कि हमको क्या करना है, आपका जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हमने क्या ऐड किया है, यहाँ पे नॉट ऐड किया, बाकी आप देख सकते हैं रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर पूरा हमारा सेम है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। देन टू चेंज एनी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेज इनटू पेसिव वॉइस वी नीड टू चेंज सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जैसे कि हमेशा हम ये नोट पढ़ते हैं कि हमको एक्टिव से पेसिव में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में चेंज करना होता है, ओके। अब पहले हम लोग यूजेस देख लेते हैं कि विल और शैल का यूज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैल का यूज।
सेल इज यूज्ड विथ आई एंड वी ओनली. सेल का यूज होता है आई और वी के साथ में, ओके. और विल का यूज होता है बाकी के बचे हुए सारे सब्जेक्ट्स के साथ, मतलब रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स कह सकते हैं हम. बाकी के बचे हुए सारे सब्जेक्ट के साथ में हम विल का यूज करेंगे. ठीक है, तो शैल का यूज सिर्फ आई के साथ में होगा या तो वी के साथ में होगा, और इसके अलावा और किसी भी वर्ड के साथ में नहीं होगा. और इन दोनों को छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स बच गए, आई ही शी, किसी का नेम हो गया दे, राम एंड श्याम, सीता, वॉट एवर, कुछ भी हो सब्जेक्ट, उसके साथ में विल का यूज़ होगा. क्लियर है? अब हमको ये समझना है कि आई और वी के साथ में हम लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे, मैंने टेंस में भी इसका यूज़ आप लोगों को बताया था कि आई और वी के साथ में विल कौन से कंडीशन में यूज़ होता है. ठीक है, तो आई और वी के साथ में विल तब के कंडीशन में यूज़ होता है जब हम कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, वेरी मच श्योर. जब हम कुछ चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होंगे, जैसे कि हम लोग तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हमको नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होगा, बस हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. जैसे कि कल हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन अगर हम श्योर हैं तब हम क्या करेंगे, वी विल. ठीक है, जब हम श्योर हैं कि कल हमको हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना ही है, अगर हम श्योर नहीं हैं, हो सकता है कि मैं एब्सेंट हो जाऊँ, आप एब्सेंट हो जाएँ, या वॉट एवर कोई भी कंडीशन हो जाए, तो अगर हम श्योर नहीं हैं तब वी के साथ में हम लोग शैल का यूज़ करेंगे, ओके. लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा श्योर हैं कि नहीं कल ये काम हमको करना ही है, या फिर कल ये काम मुझे करना ही है, कि आप लोग को, आप लोग का टेंस, सॉरी, आप लोगों का वॉइस मेरे को कंप्लीट करना ही है, तब मैं आई के साथ में किसका यूज़ करूँगी, विल का. लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, मे भी हो सकता है कल मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूँ तो वॉइस कंप्लीट ना हो पाए, मैं श्योर नहीं हूँ, बस मैं लेके चल रही हूँ अप्रॉक्स की हाँ शायद कल कंप्लीट हो सकता है, तब मैं आई के साथ में किसका यूज़ करूँगी, शैल का. तो जब हम कुछ भी चीज़ को लेकर के श्योर नहीं होते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ करते हैं, और कुछ चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं कि कल ये काम हम करने ही वाले हैं और ये काम पॉसिबिलिटीज़ है कि हो ही जाएगा, तब के केस में हम आई और वी के साथ में विल का यूज़ करते हैं. क्लियर है? तो ये था आपका यूजेस ऑफ विल एंड शैल. अब हम देखेंगे, हमारा रूल तो हमने देख लिया, अब एग्जांपल देखेंगे. एग्जांपल देखने से पहले फिर से इसका स्ट्रक्चर हम लिख लेते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे स्ट्रक्चर है. स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम हमारे एग्जांपल्स को देखेंगे. उससे पहले हमने क्या देखा है कि जो एक्टिव वाइस का सब्जेक्ट है वो किस में चेंज होगा, आपके सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, हो जाएगा, ओके. और इसके अलावा मैं आप लोगों को जो नोट डाउन करवाती हूँ एक बार फिर से, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं कि आई है वो किस में चेंज होगा, आपके मी में चेंज होगा, वी इज चेंजेस इनटू अस, ही इज चेंजेस इनटू हिम, शी इज चेंजेस इनटू हर, एंड दे इज चेंजेस इनटू देम. तो इस तरीके से ये हमारा चेंज होगा, इसको भी हमको याद रखना है. सो अब हम एग्जांपल देखते हैं हमारा. आई विल रीड अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी पढ़ूंगी. आई विल रीड अ स्टोरी. अब इसमें देखना है आपको कि सब्जेक्ट क्या है इसमें. तो सब्जेक्ट है इसमें आई, ये आपका सब्जेक्ट है, और अ स्टोरी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है. और जैसे कि अभी मैंने आपको बताया और इससे पहले के क्लासेस में ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा. तो एक्टिव वाइस का जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस में चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट में. दैट मीन्स इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे हमारे सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा. क्लियर? अब आप स्ट्रक्चर से देखिए, सब्जेक्ट मिल गया हमको, देन विल और शैल में से किसका यूज़ करेंगे, हम स्टोरी के साथ विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि शैल सिर्फ और सिर्फ किसके साथ यूज़ होता है,
आई और वी के साथ और इन दोनों को छोड़ के जो भी चीज बच गया सब में विल डालना है आपको, ठीक है। तो विल, देन आपका बी, बी भी आ गया यहाँ पे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, देन बाय और देन ऑब्जेक्ट। तो आई का किस में चेंज होगा, अभी यहाँ पे नोट करवाया मैंने, मी में। तो हो गया हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल एकदम करेक्ट। सो द आंसर इज अ स्टोरी विल बी रीड बाय मी, स्टोरी मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल इज द इंजन विल ड्राइव द ट्रेन, इंजन ट्रेन को चलाएगी। अब इसमें भी जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये सब्जेक्ट, देन विल, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया आपका, द ट्रेन विल बी ड्राइवन बाय द इंजन, ट्रेन इंजन के द्वारा चलाई जाएगी, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी विल सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाएगी। इसमें भी देखिए आप, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया, देन विल, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। अ सॉन्ग विल बी संग बाय हर, गाना उसके द्वारा गाया जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द कारपेंटर विल मेक फर्नीचर। इसमें भी क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट फिर से इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर विल, देन बी, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाय एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फर्नीचर विल बी मेड बाय द कारपेंटर, फर्नीचर कारपेंटर के द्वारा बनाया जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपकी, हम किसी भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर अगर हमको पता है तो किसी भी सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, एक्टिव से पेसिव में इजिली चेंज कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम, इसमें पहले नोट कर लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल है, ये अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव है और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या गिवन है हमको, ही विल प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलेगा। अब आपको यहाँ पे पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑलरेडी पता है क्योंकि यही सेंटेंस हम प्रीवियस क्लासेस में भी अलग अलग टेंसेस में पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका सब्जेक्ट बन गया, आप स्ट्रक्चर से मैच करिए, देन विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस, हमारा एग्जाम्पल करेक्ट है, ओके। सो फुटबॉल विल बी प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाएगा। अगर इसी का नेगेटिव हमको गिवन होगा तो ही विल नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलेगा। अब इसको जब हमको पेसिव नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल विल नॉट बी प्लेड बाय हिम, फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जाएगा। और आपको पता ही है के द्वारा जहाँ पे आया दैट मीन्स वही क्या होता है, हमारा पेसिव वॉइस होता है। अब एक मिस्टेक आपको नहीं करना है, वो क्या है, विल के बाद में हमको नॉट लगाना है ना, विल बी नॉट ऐसा नहीं लगा दीजिएगा आप लोग। आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नॉट लगाना है, उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब विल है, तो विल के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी लिखाएगा, नॉट से पहले बी नहीं लिखना है, नहीं तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, विल ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलेगा, दैट मीन विल फुटबॉल बी प्लेड बाय हिम, क्या फुटबॉल उसके द्वारा खेला जाएगा। इसमें भी आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैच कीजिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट है। तो इसमें भी आपको क्या नहीं करना है, विल बी फुटबॉल नहीं लिख देना है ना, विल के बाद आपका सब्जेक्ट ही आएगा और सब्जेक्ट के बाद में बी आएगा, क्लियर। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जब इसी सेंटेंस का हमको गिवन हो तो विल ही नॉट प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल नहीं खेलेगा, That means, will football not be played by him? क्या फुटबॉल उसके द्वारा नहीं खेला जाएगा। तो इस तरीके से हम हर एक सेंटेंस का, चाहे वो नेगेटिव के फॉर्म में हो, चाहे इंट्रोगेटिव के फॉर्म में हो, चाहे नेगेटिव इंट्रोगेटिव के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, बस आपका स्ट्रक्चर पेसिव वाइज का जो रूल है वो रूल आपको याद होना चाहिए, फिर आप कोई भी फॉर्म में ईजली चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पेसिव में। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी विल राइट अ बुक, वह बुक लिखेगी, दैट मीन्स इसमें भी हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बताया है, तो इसके भी बाकी फॉर्म्स हम बना सकते हैं। अ बुक विल बी रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा लिखा जाएगा, दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, करेक्ट है, ये भी हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब इसी सेंटेंस का अगर हमको नेगेटिव इवन है, जैसे कि शी विल नॉट राइट अ बुक, वह बुक नहीं लिखेगी,
तो इसका क्या हो जाएगा पेसी वाइज में, अ बुक विल नॉट बी रिटन बाय हर, बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा. इसको भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप मैच करिए, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस भी हमारा अकॉर्डिंग टू अवर रूल इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, विल शी राइट अ बुक, क्या वह बुक लिखेगी. इसका पेसी वाइज क्या हो जाएगा, विल अ बुक बी रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा लिखा जाएगा. इसको भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप मैच कर सकते हैं, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब सेम सेंटेंस का हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, तो क्या हो जाएगा, विल शी नॉट राइट अ बुक, क्या वह बुक नहीं लिखेगी. दैट मीन्स विल अ बुक नॉट बी रिटन बाय हर, क्या वह बुक उसके द्वारा नहीं लिखा जाएगा. इसमें भी आप देख सकते हैं विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस भी हमारा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट है, तो इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में. नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल्स हमको गिवन है, इट्स अवर एग्जाम्पल थर्ड, अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव और देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव. क्लियर. देन इट्स अवर फोर्थ, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और ये है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव. ओके, दैट मीन्स दे विल इंजॉय अ पिकनिक, वे लोग या फिर वे पिकनिक इंजॉय करेंगी. इसको जब हमको ये भी पता है ये सब्जेक्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट फिर से सब्जेक्ट बन जाएगा और दे किसमें चेंज होता है, मैंने आपको नोट डाउन कराया था, दे चेंजेस इंटू देम, दे है जो देम में चेंज होगा. तो पिकनिक विल बी इंजॉयड बाय देम, पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय किया जाएगा. दैट मीन्स सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये भी हमारा एकदम करेक्ट है अकॉर्डिंग टू अवर रूल. नेक्स्ट इज इसी सेंटेंस का अगर आपको नेगेटिव गिवन है तो वो भी आप इजिली बना सकते हैं. दे विल नॉट इंजॉय अ पिकनिक, वे पिकनिक इंजॉय नहीं करेंगे. अ पिकनिक विल नॉट बी इंजॉयड बाय देम, पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय नहीं की जाएगी. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर. इंट्रोगेटिव में देखिए विल दे इंजॉय अ पिकनिक, क्या वे लोग पिकनिक इंजॉय करेंगी. तो इसका पेसी वाइज में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल अ पिकनिक बी इंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय की जाएगी. विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क. सिमिलरली अगर इसी सेंटेंस का हमको नेगेटिव इंट्रोगेटिव गिवन है तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं. विल दे नॉट इंजॉय अ पिकनिक, क्या वे पिकनिक इंजॉय नहीं करेंगे. दैट मीन्स विल अ पिकनिक नॉट बी इंजॉयड बाय देम, क्या पिकनिक उनके द्वारा इंजॉय नहीं की जाएगी. इसको भी आप मैच कर सकते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर है. आपको इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी क्वेश्चन मार्क लगाना है. नेक्स्ट एग्जांपल इज आई विल प्लांट फ्लावर्स, मैं फ्लावर्स उगाऊंगी. इसमें भी आप देख सकते हैं आई आपका सब्जेक्ट है और फ्लावर्स जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है. इसका ऑब्जेक्ट फिर से इसका सब्जेक्ट बन जाएगा. फ्लावर्स विल बी प्लांटेड बाय मी, फ्लावर्स मेरे द्वारा उगाया जाएगा. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अकॉर्डिंग टू अवर रूल दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट. आई विल नॉट प्लांट फ्लावर्स, मैं फ्लावर नहीं उगाऊंगी. अब इसको पेसी में चेंज कीजिए, फ्लावर्स विल नॉट बी प्लांटेड बाय मी, फ्लावर मेरे द्वारा नहीं उगाया जाएगा. अब इसी का इंट्रोगेटिव अगर हमको गिवन है तो विल आई प्लांट फ्लावर्स, क्या मैं फ्लावर्स उगाऊंगी. दैट मीन्स विल फ्लावर्स बी प्लांटेड बाय मी, क्या फ्लावर्स मेरे द्वारा उगाया जाएगा. सिमिलरली इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव गिवन है तो विल आई नॉट प्लांट फ्लावर्स, क्या मैं फ्लावर्स नहीं उगाऊंगी. अब इसका पेसी वाइज में क्या हो जाएगा, विल फ्लावर्स नॉट बी प्लांटेड बाय मी, क्या फ्लावर्स मेरे द्वारा नहीं उगाया जाएगा. ओके, इट्स अवर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज रोहन विल टेक ब्रेकफास्ट, रोहन नाश्ता करेगा. ब्रेकफास्ट विल बी टेकन बाय रोहन, इसमें भी रोहन जो है आपका सब्जेक्ट है और ब्रेकफास्ट जो है आपका ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसमें पेसी में सब्जेक्ट हो जाएगा. तो ब्रेकफास्ट विल बी टेकन बाय रोहन, ब्रेकफास्ट रोहन के द्वारा किया जाएगा. अब इसका अगर नेगेटिव गिवन है आपको, रोहन विल नॉट टेक ब्रेकफास्ट, रोहन नाश्ता नहीं करेगा. ब्रेकफास्ट विल नॉट बी टेकन बाय रोहन, रोहन के द्वारा नाश्ता नहीं किया जाएगा. सिमिलरली अगर हमको इंट्रोगेटिव गिवन है तो विल रोहन टेक ब्रेकफास्ट, क्या रोहन नाश्ता करेगा.
दैट मीन्स विल ब्रेकफास्ट बी टेकन बाय रोहन, क्या नाश्ता रोहन के द्वारा किया जाएगा? एंड एट लास्ट नेगेटिव इंट्रोगेटिव होगा तो कैसे हो जाएगा, विल रोहन नॉट टेक ब्रेकफास्ट, क्या रोहन नाश्ता नहीं करेगा? विल ब्रेकफास्ट नॉट बी टेकन बाय रोहन, क्या नाश्ता रोहन के द्वारा नहीं किया जाएगा? तो इस तरीके से हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लिए. अब देखते हैं हम कि अगर हमको एक एग्जाम्पल गिवन है तो हम उसी एग्जाम्पल से उसी का अफर्मेटिव, उसी का नेगेटिव, उसी का इंट्रोगेटिव और उसी का नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे चेंज करेंगे. जैसे कि आपको देखिए गिवन है यहाँ पे, ही विल हेल्प अस, वह हमारी मदद करेगा. ही विल हेल्प अस, इसके नीचे है ना पेशी वाइज, ये नीचे हमको गिवन है, इसको यहाँ पे मेंशन है, इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं. ये नीचे वाला आपका पेशी वाइज है. ही विल हेल्प अस, वो हमारी मदद करेगा. सबसे पहले इसमें देख लीजिए सब्जेक्ट ही है, अस क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो उस अस किस में चेंज होता है, वी में चेंज होता है. और ही किस में चेंज होगा, आपके हिम में चेंज होगा. तो ही विल हेल्प अस, इसका क्या हो जाएगा पेशी वाइज में अफर्मेटिव, वी विल बी हेल्प बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद किए जाएंगे. अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट आपको नॉट लगाना है, विल के जस्ट बाद में नॉट लगा देंगे. वी विल नॉट बी हेल्प बाय हिम, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जाएंगे. सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल को पहले लिख देंगे, वी को बाद में, बाकी का पूरा सेंटेंस हमारा सेम रहेगा. विल वी बी हेल्प बाय हिम, क्या हम उसके द्वारा मदद किए जाएंगे. अब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हम लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, बस आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगाना है, बाकी सेम रहेगा इंट्रोगेटिव के जैसा. वी विल नॉट बी हेल्प बाय हिम, हम उसके द्वारा नहीं मदद किए जाएंगे. तो इस तरीके से स्टूडेंट, अगर आपको सिर्फ एक सेंटेंस गिवन है और आपको बोला जाएगा कि आपको उसी सेम सेंटेंस का क्या करना है, अफर्मेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है या फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है, आप इजिली उसको चेंज कर सकते हो. ठीक है, सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डॉक्टर्स विल ट्रीट पेशेंट्स, डॉक्टर मरीजों के इलाज करेंगे. अब इसको भी चेंज करेंगे तो इसका सब्जेक्ट हमको पता है डॉक्टर है, इसका सब ऑब्जेक्ट हमको पता है पेशेंट्स है, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है फिर से इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा आपका, पेशेंट्स विल बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, पेशेंट्स डॉक्टर्स के द्वारा इलाज किए जाएंगे. और नेगेटिव बनाने के लिए फिर से आप क्या करिए, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए. पेशेंट्स विल नॉट बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, मरीज जो हैं वो डॉक्टर के द्वारा इलाज नहीं किए जाएंगे. सिमिलरली इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या हो जाएगा, विल पेशेंट्स बी ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स, क्या पेशेंट्स डॉक्टर के द्वारा ट्रीट किए जाएंगे. अब इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना लेते हैं हम, इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, विल पेशेंट्स not be treated by doctors, क्या patients doctor के द्वारा इलाज नहीं किए जाएंगे. तो इस तरीके से हम एक ही sentence का अफर्मेटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी ईजिली बना सकते हैं. कुछ और examples देखते हैं हम. टीचर्स विल टीच स्टूडेंट्स, टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे. इसमें भी आपको सब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट क्या है इसमें टीचर्स है, और ऑब्जेक्ट भी पता है, ऑब्जेक्ट क्या आपका स्टूडेंट्स है. फिर से ये चेंज हो जाएगा, जो इसका ऑब्जेक्ट है पेशी में सब्जेक्ट बन जाएगा और जो इसमें सब्जेक्ट है वो इसमें ऑब्जेक्ट बन जाएगा. स्टूडेंट्स विल बी टॉट बाई टीचर्स, स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे. नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स विल नॉट बी टॉट बाय टीचर्स, स्टूडेंट्स टीचर्स के द्वारा नहीं पढ़ाए जाएंगे. विल स्टूडेंट्स बी टॉट बाय टीचर्स, क्या स्टूडेंट टीचर्स के द्वारा पढ़ाए जाएंगे. सिमिलरली इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव हम लिख लेंगे तो क्या होगा, विल स्टूडेंट्स नॉट बी Will students not be taught by teachers? क्या students teachers के द्वारा नहीं पढ़ाए जाएंगे. Next example से we will love our country, हम अपने देश से प्यार करेंगे. अब इसमें भी आपको पता है कि subject आपका we है और object क्या है our country.
ओके तो इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया, अवर कंट्री विल बी लव्ड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जाएगा, और हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जाएगा दैट मीन्स वो होगा आपका नेगेटिव, अवर कंट्री विल नॉट बी लव्ड बाय अस। सिमिलरली इंट्रोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, विल अवर कंट्री बी लव्ड बाय अस, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार किया जाएगा, इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिख लीजिए, उसमें भी क्या हो जाएगा सेम बाकी के जैसा ही करेंगे, बस आपको क्या करना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देना है। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा अवर कंट्री, उसके बाद में हमने लगा दिया नॉट बी लव्ड बाय, नॉट बी लव्ड बाय अस, विल अवर कंट्री नॉट बी लव्ड बाय अस, क्या हमारा देश हमारे द्वारा प्यार नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने रूल के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैसन्स विल बिल्ड हाउसेस, मैसन्स घर बनाएंगे। अब इसमें भी आपको पता है मैसन्स आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हाउसेस जो है ऑब्जेक्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट फिर से इसमें सब्जेक्ट बन गया और इसका सब्जेक्ट फिर से इसमें ऑब्जेक्ट बन गया। Houses will be built by masons, घर masons के द्वारा बनाया जाएगा। Houses will not be built by masons, घर masons के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। Will houses be built by masons, क्या घर masons के द्वारा बनाया जाएगा। Similarly इसका भी negative interrogative में change कर लीजिए, क्या हो जाएगा Will houses not be built by मैसन्स, क्या घर मैसन्स के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कारपेंटर्स विल मेक फर्नीचर्स, ये है आपका नीचे है पेशी वाइज, इसमें भी आपका नीचे है पेशी वाइज, कारपेंटर्स विल मेक फर्नीचर, कारपेंटर फर्नीचर बनाएंगे, फर्नीचर विल बी मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जाएगा। फर्नीचर विल नॉट बी मेड बाय कारपेंटर्स, फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। विल फर्नीचर बी मेड बाय कारपेंटर्स, क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा बनाया जाएगा। सिमिलरली इसका भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव आप चाहें तो लिख सकते हैं, विल फर्नीचर नॉट बी मेड बाय Not be made by carpenters. क्या फर्नीचर कारपेंटर्स के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैकेनिक्स विल रिपेयर कार्स, मैकेनिक कार रिपेयर करेगा। इसका भी आप देखिए आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पता है, फिर से चेंज कर लीजिए, कार्स विल बी रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जाएगा। कार्स विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय मैकेनिक्स, कार मैकेनिक्स के द्वारा नहीं रिपेयर किया जाएगा। Will cars be repaired by mechanics? क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा रिपेयर किया जाएगा। और एट लास्ट आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका भी हम लिख लेते हैं, क्या कार मैकेनिक्स के द्वारा नहीं रिपेयर किया जाएगा। तो आप इसको स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी मैच कर लीजिए, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी हमारे एग्जांपल्स करेक्ट हैं, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। सिमिलरली सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, सिमिलरली विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, means according to our rule our all examples are absolutely correct. Our next example is, अब देखेंगे हम कुछ assertive के sentence, I will write a letter, मैं एक letter लिखूँगी, a letter will be written by me, letter मेरे द्वारा लिखा जाएगा। Similarly she will help me, वह मेरी मदद करेगी, I will be helped by her, मैं उसके द्वारा मदद किए जाऊँगी, John will learn the lesson, John lesson learn करेगा, एंड द लेसन विल बी लर्न बाय जॉन, लेसन जॉन के द्वारा लर्न किया जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस, चाहे वो सेंटेंस कुछ भी हो, हमको अगर रूल पता है तो हम हर एक सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव के कुछ एग्जाम्पल्स, शी विल नॉट हेल्प अस, वो हमारी मदद नहीं करेगी, वी विल नॉट बी हेल्प बाय हर, हम उसके द्वारा मदद नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज वी विल नॉट विजिट द हिल स्टेशन, हम हिल स्टेशन पर नहीं गए हैं,
सॉरी हम हिल स्टेशन पे नहीं जाएंगे, द हिल स्टेशन विल नॉट बी विजिटेड बाय अस, हिल स्टेशन हमारे द्वारा विजिट नहीं किया जाएगा, वी शैल नॉट बैटरी अवर कंट्री, हम अपने कंट्री को नहीं हराएंगे, अवर कंट्री शैल नॉट बी बैटरेड बाय अस, हमारा देश हमारे द्वारा नहीं हराया जाएगा। तो इस तरीके से हम नेगेटिव सेंटेंस को भी चेंज कर सकते हैं एंड एट लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं हम, विल यू हेल्प हिम, क्या वह हमारी सॉरी क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल ही बी सॉरी विल यू हेल्प हिम, क्या तुम उसकी मदद करोगे, विल ही बी हेल्प बाय यू, क्या वह तुम्हारे द्वारा मदद किया जाएगा। सिमिलरली विल यू, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है, ये आपका इंट्रोगेटिव का है और ये भी आपका इंट्रोगेटिव का है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव का है। विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे, दैट मीन्स शैल आई नॉट बी हेल्प बाई यू, क्या मैं तुम्हारे द्वारा मदद नहीं किए जाऊँगी। सिमिलरली विल दे एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन, क्या वह विल दे एक्सेप्ट अवर इन्विटेशन, क्या वे हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे, विल अवर इन्विटेशन बी एक्सेप्टेड बाय देम, क्या हमारा इन्विटेशन उनके द्वारा एक्सेप्ट किया जाएगा। और आप चाहें तो इसमें से हर एक सेंटेंस का भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हम लास्ट वाले का करते हैं, विल अवर इन्विटेशन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय them, then question mark, will our invitation not be accepted by them, क्या हमारा invitation उनके द्वारा accept नहीं किया जाएगा। So students, आपको sentence कुछ भी given हो, हमको matter नहीं करता कि sentence क्या है कैसा है, बस आपको ये याद रखना है कि वो 12 जो tense के form होते हैं उसमें के 4 tense को छोड़ के बाकी 8 में से कोई भी sentence आए, अगर आपको रूल पता है तो आप easily change कर सकते हैं। So इन्हीं questions के साथ हमारा ये class भी complete होता है। So मिलते हैं हम लोग next video में, हम हमारे future perfect tense spacey wise के साथ। Thank you।